हेलो बच्चों, मैं मीनू माहेश्वरी वही आपकी 10th की विषय अध्यापिका एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ। और आज जो मैं आई हूँ वो नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा जो मेन बुक है क्षितिज, उसका जो गद्य पोर्शन है उसका जो फोर्थ चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर का नाम, और उसके जो लेखक है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आज हम उसी चैप्टर के साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर कि वो हम उनको अपना प्रेरणा स्रोत भी मान सकते हैं। आप यदि पढ़ेंगे सुनेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस पाठ में जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी फादर कामिल वुल्के के बारे में बताया है, उनकी जन्म के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, चरित्र के बारे में सब बताया है, और क्या क्या उन्होंने किया, साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया, तो निश्चित रूप से वो क्या है हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। और आप लोग भी जब सुनोगे तो आपको लगेगा वास्तव में क्या है प्रेरणा स्रोत, है ना। तो उससे पहले, सबसे पहले हम जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उनके बारे में देखते हैं, जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन्होंने लिखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक का परिचय हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम लेखक के परिचय के पर चलते हैं। लेखक कौन, यानी हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जो जन्म है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनका जो जन्म क्या है, हिंदी की नई कविता के जो प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म वर्ष 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या की, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, यानी अध्यापन कार्य कहते हैं पढ़ाने का कार्य किया, क्लियर, उसमें संलग्न रहे, उसमें ये जुड़े रहे। उसके बाद इन्होंने दिनमान में उप संपादक व पराग में संपादन के रूप में कार्य किया। दिनमान एक पत्रिका का नाम, पराग पत्रिका का नाम, उसमें इन्होंने संपादन के रूप में कार्य किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे व नाटककार इसके रूप में विख्यात, यानी उन्होंने कविता भी लिखी, कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, निबंध भी और नाटक भी लिखा। किसने लिखा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी रचनाओं में सरल भाषा का, सहज भाषा का और प्रवाहमयी भाषा का, यानी प्रवाह का मतलब क्या होता है, फ्लो होना, तो प्रवाहमयी भाषा का भी प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के साथ उन्होंने क्या क्या किया है, विदेशी व देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के साथ उन्होंने कौन कौन से शब्द किए हैं, विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष, कुंठा और महत्वाकांक्षाओं का चित्रण मिलता है, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार के थे, मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो उनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जो परिवार, जो जीवन है, फैमिली है, उसके संघर्ष का, कि किस तरह से जीवन में वो स्ट्रगल करते हैं, कुंठा का और महत्वाकांक्षाओं का, क्योंकि महत्वाकांक्षी तो व्यक्ति होता ही है, किस तरह से लाइफ में स्ट्रगल करता है, कैसे अपने को ले जाता है। हमारे जितने भी हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा है साहित्यकार, तो खासकर हमारे जयशंकर प्रसाद वगैरह निराला, जिन्होंने जीवन में क्या किया है, स्ट्रगल ही किया है ना, तो महत्वाकांक्षाओं का चित्रण मिलता है। तो ये है हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। अब जो आते हैं पाठ का परिचय, थोड़ा सा पाठ के बारे में कि पाठ का क्या परिचय है। पाठ का जो परिचय है वो क्या बेटा, सबसे पहले मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें फादर कामिल वुल्के के बारे में बताया गया है कि फादर कामिल वुल्के जो कि क्या थे, विदेशी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारत को क्या बनाया, अपनी कर्म भूमि। जन्म भूमि उनकी विदेश, ये थे विदेश में थी, लेकिन उन्होंने कर्म भूमि किसको बनाया, भारत को बनाया। उसके अलावा क्या है
कि उन्होंने हिंदी से उन्हें बहुत लगाव था, हिंदी की सभ्यता संस्कृति उसमें पूरी तरह से रच बस गए थे। यही उन्होंने कर अपनी क्या बना ली, कर्मभूमि, यही आकर रच बस गए भारत में ही। भारत को ही उन्होंने कर्मभूमि बनाया और भारत को ही वो अपना देश मानते थे। यहाँ के लोग उन्हें बड़े आत्मीय भी लगते थे, उनका लगाव था भारत की भाषा से, हिंदी भाषा से, बोलियों वगैरह से, है ना। तो यहाँ पूरी तरह से रचवस गए थे। उनके बारे में कहा भी जाता है कि जब तक क्या है रामकथा रहेगी, लेखक ने लिखा है, तब तक इस विदेशी सन्यासी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये जो है कहानी एक संस्मरणात्मक शैली में लिखी हुई है। संस्मरण हम कहते हैं पुरानी स्मृतियां, क्योंकि लेखक ने उनके साथ समय बिताया और उनके बारे में जो लेखक को पता वो उसके मानस पटल में लेखक के, और उसी को उसने क्या कर दिया, रचनाबद्ध, वो कहलाता है संस्मरण। तो ये जो संस्मरण शैली में लिखा हुआ है और इसमें जो लिखा हुआ है किसके बारे में लिखा है, फादर कामिल बुल्के के बारे में। क्यों? क्योंकि लेखक उसकी मृत्यु के बाद क्या है, याद कर रहा है। ये पूरा संस्मरण, ये क्या है, पुराना फ्लैशबैक में पूरी कहानी कि लेखक ने जिक्र किया है जब उसकी मृत्यु के बाद। लेखक को पता नहीं लगा वहां रहकर भी, लेकिन बाद में पता लगा, लेखक गया, उसने बहुत लोगों को उपस्थित देखा, ईश्वर को भी क्या देता है वो दोष देता है। तो उसके बाद जो है ये पूरी क्या है, फ्लैशबैक में, कि लेखक जो याद कर रहा है। अब मैं आपको पूरी कहानी, ताकि आपको समझ में आएगा, वो बहुत आसान चैप्टर है। जैसे आपने बाल गोविंद भगत वगैरह के बारे में पढ़ा है, इसमें बाल गोविंद भगत के बारे में बताया है। इसमें किसके बारे में बताया है, बाल गोविंद भगत अपने देश गए थे, लेकिन ये जो थे फादर कामिल बुल्के, ये क्या थे, विदेशी। अब मैं पूरी कहानी आपको क्या है समझाने जा रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है और सबको आनंद भी मिलेगा, इजी भी है बहुत ज्यादा। सबसे पहले क्या है कि फादर कामिल बुल्के का जन्म जो हुआ था यूरोप, और यूरोप में भी एक जगह है बेल्जियम, और बेल्जियम के जो जगह का नाम है वो क्या है, रेम्स चैपल शहर में इनका जन्म हुआ था। जैसे हम कहें भारत, भारत में भी हम क्या कहें, इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी हम क्या कहें, नैनी, है ना। तो वैसे ही क्या था कि इनका जो जन्म हुआ था यूरोप, यूरोप के बेल्जियम, और बेल्जियम में भी जो शहर का नाम रेम्स चैपल, वहां इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था, फादर कामिल बुल्के का। अत्यंत संवेदनशील स्वभाव के थे, दया करुणा त्याग की मूर्ति थे, वात्सल्य भरा हुआ था। तो माँ ने जब देखा बचपन में ही, तो माँ ने ये घोषणा कर दी, बेटा हाथ से निकल जाएगा। हाथ से निकलना मतलब क्या है, बेटा सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो इंजीनियरिंग का जो अंतिम वर्ष था, इन्होंने पढ़ाई को तो छोड़ दिया, सन्यासी बनने की, पादरी बनने की जिद ठान ली। और इन्होंने ये शर्त भी रखी, क्योंकि सन्यासी बनने के समय शर्त भी रखी जाती है, इन्होंने अपनी रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा, क्योंकि भारत से हो सकता है इनको लगाव रहा हो, इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी और इनकी शर्त मानी भी गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये भारत आ गए, है ना, पादरी बनने के लिए। अब उससे पहले उनके परिवार के बारे में लेखक बता रहा है, उनके बारे में कि ये कैसे थे, गोरे चिट्टे थे, लंबे थे, नीली इनकी आंखें थी, झाई मारती हुई इनकी क्या थी, सफेद इनकी दाढ़ी थी, और उसमें सफेद चौगा पहने रहते थे, बड़े अच्छे लगते थे। कौन, फादर कामिल बुल्के। अब क्या था कि इनके परिवार के बारे में लेखक ने जिक्र किया है, छोटा सा परिवार था। परिवार में क्या था कि इनके पिता थे जो व्यवसायी थे, व्यवसाय करते थे, माता थी घर को संभालती थी, देखती थी। उसके अलावा दो भाई थे, एक भाई क्या था जो पादरी बना हुआ था, दूसरा भाई क्या था व्यवसाय करता था, घर का भरण पोषण करता था, चलाता था। उसके अलावा एक बहन थी जो जिद्दी थी, शादी को लेकर भी उसने पहले मना किया लेकिन तैयार हो गई, थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। कौन थी, बहन। अब क्या था कि फादर कामिल बुल्के के परिवार में और इनको अपनी जो माता थी उनसे ज्यादा लगाव था, भाई और बहन की तुलना में, पिता की तुलना में माता से इनको काफी लगाव भी था। किसको था, फादर कामिल बुल्के को। और इसके बाद क्या था कि लगाव होने की वजह से अपनी मातृभूमि से भी था। तो ये जब भारत आकर भी बस गए थे, दो तीन बार गए थे अपनी माता से मिलने के लिए गए थे, और क्योंकि इन्हें जन्मभूमि से भी अपनी लगाव था रेम सेपल से, तो इसलिए गए थे। अब क्या है कि लेखक जिक्र कर रहा है, किस बता रहा है आगे इनके बारे में कि जब ये भारत आ गए तो भारत आने के बाद सबसे पहले जीसेट संघ में 2 साल जुड़े रहे, जीसेट संघ से, और वहां इन्होंने पादरियों के बीच रहकर धर्माचरण की शिक्षा ली। सबसे पहले जब भारत आए तो जीसेट संघ से जुड़े, वहां उन्होंने क्या करा, 2 वर्ष रहे। 2 वर्ष उन्होंने जो पादरी वगैरह थे, सन्यासी वगैरह, उनके साथ रहकर धर्माचरण की शिक्षा ली। अब उसके बाद क्या था, ये दार्जिलिंग चले गए, 9-10 साल वहां पर रहे,
वहां पर भी इन्होंने अध्ययन कार्य किया, यानी अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग से इन्होंने शुरुआत की। किसने की? फादर कामिल पुलके ने। तो 9-10 साल कहाँ पर रहे? दार्जिलिंग में भी रहे। कौन रहे? फादर कामिल पुलके। अब उसके बाद क्या था कि इन्होंने क्या किया, जो बीए किया वो बीए किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, इन्होंने बीए किया फादर कामिल पुलके ने। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, उसके साथ साथ इन्होंने शोध भी किया, जिसे थीसिस कहते हैं, है ना, पीएचडी करना, है ना, सर्च करना, थीसिस लिखना, तो वो कहलाता है हमारा शोधकार। और उसका जो उनका विषय भी था वो क्या था, राम कथा उत्पत्ति एवं विकास, है ना। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि राम विकास, राम कथा उत्पत्ति एवं विकास, इस पर शोध कार्य भी किया। उसके बाद ये रांची आ गए, रांची में ये संस्कृत और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। कौन? फादर कामिल पुलके। कि जब रांची आ गए तो रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज, वहां पर इन्होंने क्या किया कि जो हिंदी और संस्कृत विभाग के क्या हो गए, विभागाध्यक्ष। अब क्या था कि फादर कामिल पुलके अपना सारा कुछ करते रहे इस तरीके से। लेखक ने जिक्र किया है कि उसकी जो पहचान हुई थी, जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, कि इलाहाबाद में ही हुई थी। और जब दिल्ली में भी चले गए थे तो भी मिलना होता था लेखक का, और किसका होता था, फादर कामिल पुलके का। तो इलाहाबाद की सड़कों का लेखक ने जिक्र किया है कि जब फादर कामिल पुलके क्या थे, परिमल जो एक संस्था, साहित्यिक संस्था, उससे ये लोग जुड़े रहते थे परिमल संस्था से, और सारे लोग मिलते थे, परिवार जैसे उनके संबंध थे। एक साहित्यिक संस्था थी, सारे लोग इकट्ठे होते थे, गोष्ठियां करते थे, हंसी मजाक करते थे, है ना, अपनी अपनी बात रखते थे, बहसें होती थी, उसमें अकाट्य तर्क दिए जाते थे। और उसके जो बड़े थे वो कौन थे, फादर कामिल पुलके, है ना। तो गोष्ठी में और पूरा एक परिवार जैसा माहौल बना हुआ था, एक पारिवारिक संबंध बन गया था। जितने भी परिमल संस्था वगैरह से जुड़े हुए थे सबका क्या था, एक पारिवारिक संबंध बन गया था। अब लेखक ने जिक्र किया है कि इलाहाबाद की सड़कों पे जब भी देखते थे वो फादर कामिल पुलके को साइकिल से आते हुए वहीं साइकिल रोक देते थे, और फादर पुलके कभी झुंझलाते नहीं थे, और उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अपना सारा कुछ बताते थे। कौन बताते थे? लेखक उनको अपना सारा अपने बारे में बताते थे। क्योंकि उनका क्या था कि वो परंपरागत क्या था, लेखक ने जिक्र किया है कि वो परंपरागत सन्यासी नहीं थे, उससे अलग थे सन्यासी स्वभाव से थे, लेकिन परंपरागत सन्यासी नहीं थे। जैसे परंपरागत सन्यासी होता है ना कि भिक्षा मांगकर पेट भरता है, ज्ञान की बातें करता है, केवल ईश्वर की भक्ति में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देता है। भिक्षा मांगकर पेट भरना, ज्ञान की बातें करना, दूसरों को ज्ञान देते रहना, है ना, और उसके अलावा सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। लेकिन ये ऐसे नहीं थे, ये तो बल्कि जिससे रिश्ता जोड़ते थे उसे जीवन भर निभाते थे, सुख और दुख दोनों में साथ देते थे। यदि जिससे रिश्ता जोड़ दिया इन्होंने, उसका सुख दुख दोनों परिस्थितियों में साथ देते थे, जीवन भर उससे रिश्ता निभाते थे। लेखक ने स्वयं जिक्र किया है, कब का जिक्र किया है, कि जब उनके बेटे का अन्न प्रशासन संस्कार हुआ था, कि बच्चे को जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो इनके शब्द थे, इनको देखकर जो उनकी आंखों में क्या था, वात्सल्य भाव, वो लेखक ने महसूस किया था, देखा था। उसके अलावा क्या था कि जब इनकी पत्नी का देहावसान हुआ था, उसमें भी उन्होंने संवेदना भरे शब्द थे इनके, कि हर मौत सिखाती है जीवन को एक नई राह। और ये जो शब्द थे, कथन थे, जिसने किसको, लेखक को सांत्वना दी, शांति प्रदान की, तो वो सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में एक बड़े भाई के समान, पुरोहित के समान खड़े होते थे। उस समय उनके चेहरे पर वात्सल्य भाव दिखाई देता था, सुख दुख दोनों में साथ देते थे। कौन? फादर कामिल पुलके। अब लेखक ने जिक्र किया है कि उसके अलावा कि इन्होंने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने योगदान दिया, बाइबल का हिंदी रूपांतरण किया, और मातृलिंग भाषा में लिखा हुआ जो रचना थी वो थी नील पंछी के नाम से इन्होंने रूपांतरण किया, ब्लू बर्ड का, मातृलिंग भाषा में जो रचित क्या थी, ब्लू बर्ड, उसका नील पंछी के नाम से इन्होंने रूपांतरण किया। उसके अलावा हिंदी, रांची में रहकर इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और अंग्रेजी शब्द कोश तैयार किया। किसने? फादर कामिल पुलके ने, है ना। इन्होंने शब्दकोश तैयार किया, हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश का तैयार किया। उसके अलावा क्या था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने भरकस प्रयास भी किया, कोशिश भी की। कभी ये झुंझलाते नहीं थे, गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन यदि कोई हिंदी की उपेक्षा कर रहा होता था
तो ये झुंझला जाते थे कौन फादर कामिल बुल्के के हिंदी में देश में रहकर और क्या है हिंदी की उपहास करना है ना, हिंदी को कम समझना। तो वहां फादर कामिल बुल्के क्या हो जाते थे, झुंझला जाते थे यदि किसी को हिंदी की उपेक्षा करते देखते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। भरकस उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया, किसने, फादर कामिल बुल्के ने। अब लेखक जिक्र कर रहा है जब ये दिल्ली चले गए वहां भी मिलना होता था। इस बार क्या था कि जब लेखक वहां पर था और लेखक को इनकी बीमारी के बारे में पता नहीं था है ना, और बाद में पता लगता है, लेखक को काफी अफसोस रहता है इनकी मृत्यु के समय में, तो इनका पता लगता है मृत्यु हो गई और जहरवाद एक ग्रेन करके बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि सारा जो जहर वगैरह होता है शरीर में फैल जाता है। और जब इनका लास्ट का समय आने लगा थे तो इनके हाथों की उंगलियां थी सूज गई थी, नीली पड़ गई थी, किसकी, फादर कामिल बुल्के की। लेखक को इस बात का पता भी नहीं लग पाया था, अफसोस रहा लेखक को काफी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है जब अंतिम समय में पता लगा मृत्यु पर, ये भी वहां पर पहुंचे और देखा कि अनगिनत लोग उपस्थित हैं। और इनको क्या किया गया कि वहां जो दिल्ली में कश्मीरी गेट और उसके निकलसन कब्रगाह में इनको फादर कामिल बुल्के को नीली गाड़ी से लाया गया ताबूत में, और मसीही विधि से, क्योंकि विदेशी थे, मसीही विधि से इनका क्या किया गया, अंतिम संस्कार किया। उसके बाद जो थे पास्कल तोना, रांची के पास्कल तोना, उन्होंने मसीही विधि से क्या किया, इनका अंतिम संस्कार किया और इनके कर्म पर और इनके कार्य पर जीवन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित भी की और कहा कि फादर धरती में जा रहे हैं और धरती से ऐसे अनेक रत्न पैदा हों, कि फादर कहाँ जा रहे हैं धरती में और धरती से ऐसे ही अनेक रत्न पैदा हों, है ना। और उन्होंने इनके बारे में बोला, कहा कि जब तक राम कथा रहेगी तब तक क्या है इस विदेशी भारतीय सन्यासी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। लेखक अपने मन में सोचता है कि इस विदेशी ने कभी सोचा भी नहीं होगा क्या कि उसकी मृत्यु पर इतने लोग उपस्थित होंगे, क्यों, क्योंकि विदेशी थे, संबंध तो उन्होंने कहां के बनाए थे, भारत में आके बनाए थे। तो लेखक जिक्र करता है कि फादर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मृत्यु पर इतने लोग उपस्थित होंगे और वास्तव में उनके अंतिम समय में, अंतिम संस्कार के समय अनगिनत लोग उपस्थित थे जिनका वर्णन कर पाना असंभव है ना, कि नम आंखों को गिनना, सेंटेंस भी दिया है लेखक ने, नम आंखों को गिनना साई फैलाने के बराबर था, अर्थात व्यर्थ जैसे साई फैला दी जाए है ना, हम वर्णन करें तो उसका वर्णन नहीं कर सकते, हमारी केवल क्या है शाही की बर्बादी होगी, इंक की बर्बादी होगी, क्योंकि अनगिनत लोग उपस्थित थे जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत लोग और सबकी आंखें नम थी। तो ये है फादर कामिल बुल्के कि जिनका जन्म भले ही क्या हुआ था, विदेशी थे, रेम्स चैपल में हुआ था, भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया, भारत के लोगों से लगाव, आत्मीयता का भाव, जिससे रिश्ता जोड़ा, उसको जीवन भर निभाया, सुख दुख दोनों परिस्थितियों में क्या है एक बड़े भाई के समान, पुरोहित के समान हमेशा साथ दिया, वात्सल्य भाव उनके चेहरे पर दिखाई दिया। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे फादर कामिल बुल्के, और निश्चित रूप से है ना कि आज यदि हम फादर को याद करते हैं हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हम ये सोचते हैं कि आज उनकी कमी है हमारे बीच में, उनकी कमी को महसूस करते हैं, किसकी, फादर कामिल बुल्के की। तो ऐसे ही विलक्षण प्रतिभावान थे कौन, फादर कामिल बुल्के, जो विदेशी होने के बावजूद भी भारत को जिन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया, भारत में वो कितने वर्ष रहे थे, भारत में रहे थे वो 45 वर्ष और कितना 73 वर्ष की आयु में इनका हो गया देहावसान हो गया, तो 45 वर्ष की आयु में तो क्या था, क्योंकि इनका जो मृत्यु हुई है वो इनकी मृत्यु हुई है वो हुई है 18 अगस्त 1982 में इनकी मृत्यु हुई है। शोध इन्होंने जब किया था तो शोध इन्होंने जब किया है तो वो किया है इन्होंने 1950 में, उसके अलावा जब इनकी मृत्यु है इनको दफनाया गया लाया गया तो 18 अगस्त 1982 में, और कितना था 45 वर्ष तक ये रहे भारत में और 73 वर्ष की आयु में क्या हो गया इनका देहावसान। तो ऐसे थे कौन, फादर कामिल बुल्के, जीवन भर जो पढ़ने में ही रहे, उनका समय अपना व्यतीत हुआ, अध्ययन अध्यापन में ही सीमित रहा, लोगों के साथ उठना बैठना, प्रबल संस्था से जुड़े रहे, एक पारिवारिक माहौल बनाए रखा, सुख दुख परिस्थितियों में साथ देना, लेखक ने उसके बारे में जिक्र किया, लेखक के बारे में, एक ऐसे पेड़ के समान जो क्या है जिसमें फल भी हो फूल भी हो, जो क्या देता है
फल भी देता है, एक ऐसे आप कह सकते हो सघन, कि एक ऐसे सघन, सघन कहते हैं घने वृक्ष से इनकी तुलना की है, जो फल भी देता है, फूल भी देता है, छाया भी देता है, सुगंध देता है। ऐसे थे फादर कामिल बुल्के, जो सबके होकर भी सबसे अलग दिव्य श्रेष्ठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में लहराते हुए पेड़ के समान बताया है। किसको बताया है? फादर कामिल बुल्के को, कि ऐसा घना पेड़ जो सबको फल भी दे, फूल दे, सुगंध दे, छाया दे, शीतलता दे। वैसे ये कौन थे? फादर कामिल बुल्के, जो अपने व्यवहार से, आचरण से सबको शीतलता प्रदान करते थे, वात्सल्य प्रदान करते थे, प्रेम प्रदान करते थे। तो ऐसे थे फादर कामिल बुल्के। तो निश्चित रूप से विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे फादर कामिल बुल्के, और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, और प्रेरणा स्रोत उनको मानते भी होंगे कि वास्तव में उनका जीवन विलक्षण प्रतिभा संपन्न। तो बेटे, जैसे मैंने आपको बताया कि विदेशी थे ये, भारत के इन्होंने कर्मभूमि बनाया, महत्वपूर्ण योगदान दिया साहित्य के क्षेत्र वगैरह में। अब आप लोगों का, क्योंकि मैं टास्क देती हूँ और टास्क बड़ा इंटरेस्टिंग ही अच्छा भी, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसा कोई और व्यक्ति कि जो भारत में विदेशी रहा हो, भारत में आके बसा हो और भारत में आकर उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जरूरी नहीं है साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उसने क्या किया हो, महत्वपूर्ण योगदान। तो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, क्या डालना है, ये आपका टास्क है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो, मतलब जानना मीन्स क्या, पढ़ा हो, जिसके बारे में सुना हो कि विदेशी था लेकिन भारत में आके बस गया और भारत में उसने क्या किया है, महत्वपूर्ण योगदान। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको जिक्र करना है। तो बेटा आप लोग देखिएगा इसको, क्योंकि कहानी आप अच्छे से समझेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, क्योंकि यदि आपको नहीं भी आता बेटा, मैंने बताया ना आपके पास क्या है बेटा, मोबाइल है आपके पास, लिंक है, क्या करो तुरंत अपना देखो, फॉरवर्ड कर सकते हो, आप रिवाइंड कर सकते हो, रोक सकते हो बीच में, और कहानी को अच्छे से समझो, क्योंकि यदि आप अच्छे से समझेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन के आंसर भी आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। ठीक है, तो बेटा तब तक के लिए बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक के लिए बाय बेटा।